जब किसी शायर ने कहा था कि दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, तो वो बिल्कुल सही समझ रहा था कि जिगर यानी कि लिवर, कलेजा आपकी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह है दो टूक बात। मैं हूँ मेघा मामकेन और इस लिवर डे समझते हैं लिवर को। स्पॉन्जी, तिकोना और गहरे लाल रंग का लिवर काफी कमाल का ऑर्गन है और बॉडी के कई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अप्रॉक्सिमेटली फुटबॉल के साइज जितना ये बड़ा है और स्किन के बाद बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर। लिवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो रीजेनरेट कर सकता है, यानी अ लिवर कैन ग्रो टू इट्स नॉर्मल साइज इवन आफ्टर 90% ऑफ इट हैज बीन रिमूव्ड। है ना कमाल? जब तक लिवर में फाइब्रोसिस नहीं होता, दैट इज श्रिंकेज नहीं होती, तब वो रीजनरेशन पावर अच्छी है। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया एक्यूट लिवर फेलियर का, कि उसको जितना भी डैमेज हो जाए तो लिवर रीजनरेट होकर नॉर्मल स्वस्थ में आ जाता है। ह्यूमन लिवर में दो भाग या लोब्स होते हैं, एक बड़ा राइट लोब और एक छोटा लेफ्ट लोब। इनमें कई ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके जरिए ब्लड लिवर में फ्लो करता है। लिवर का काम है ब्लड को फिल्टर करके टॉक्सिन्स हटाना, ताकि ये सारा वेस्ट यूरिन और फीसेस के फॉर्म में बॉडी से हटाया जा सके। सो अगर हम देखें कि पूरा लिवर एक फैक्ट्री के तरह से है, जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म सब कुछ उसमें एक ही में है। इस कारण से लिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इसेंशियल वाइटल पार्ट है इंसान के शरीर का। लिवर बाइल भी बनाता है जो कि फैट डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाइल बिलिरुबिन नाम के पीले लाल कंपाउंड को रिमूव करने में मदद करता है। इसीलिए जब हमारा लिवर बीमार होता है और बाइल काम नहीं करता, तो हमारी आँखें और स्किन पीली पड़ जाती हैं और इसी को जॉन्डिस कहते हैं। इसके अलावा लिवर हार्मोन रेगुलेशन, ब्लड शुगर मेंटेनेंस और इन्फेक्शन फाइट करने में भी अपना योगदान देता है। यानी ऑर्गन एक, काम अनेक, तो जाहिर सी बात है कि जरा सा भी लिवर डैमेज खतरनाक साबित हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जो लिवर को इफेक्ट करती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और सी, फैटी लिवर डिजीज या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या फिर कैंसर। इनमें से बहुत सी कंडीशंस के चलते लिवर में सिरोसिस या स्कारिंग हो सकती है। लेकिन याद है ना, मैंने बताया था कि लिवर में एक खासियत है रीजेनरेशन की, लेकिन ये रीजेनरेशन तभी हो सकता है जब लिवर डैमेज टाइम से पकड़ा जा सके। लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस, फैटीग एक अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि लिवर के बारे में हमें वार्निंग देते हैं। पर जब लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो उसमें पैरों में सूजन आना, पेट में पानी आना, पीलिया, जबकि आंखें पीली हो जाती हैं, जो सफ़ेद हिस्सा है वो पीलिया, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, वो हो जाना। और जब एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशंस में, हालांकि पेट में पानी आना भी एक एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन है, पर खून की उल्टी आ जाना या बेहोशी हो जाना। According to the WHO, liver diseases are the 10th most common reason of death. और लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं उसमें ऑलमोस्ट 1/3 को लिवर डैमेज होता है और 1/3 को वो पेंक्रियास को डैमेज करते हैं। लिवर की बीमारियों के ट्रीटमेंट में मेडिकल साइंस काफी एडवांसमेंट कर चुका है, लेकिन लिवर फेलियर में एक ही रास्ता बचता है, वो है ट्रांसप्लांट। आज के दिन में अगर लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है और उसको सही पेशेंट को सही मिल जाता है, तो उससे सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% भी उसमें से बच जाते हैं। देश में आज भी ऑर्गन डोनेशन को लेके एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, क्योंकि डोनेशन के लिए एक स्वस्थ लिवर के साथ साथ एक बड़ा दिल भी चाहिए। भारत में ट्यूबरकुलोसिस के बाद हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा फैलने वाला इन्फेक्शन है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया अबाउट 5 crore पीपल सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एंड अबाउट 1.2 crore पीपल सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। और हर साल 1,70,000 लोग हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के चलते अपनी जान खो देते हैं। एक हेल्दी लिवर के लिए हेल्दी वेट मेंटेन करें, एनश्योर हाइड्रेशन, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अल्कोहल मॉडरेशन में ही सही है,
स्टॉप स्मोकिंग एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लिवर के लिए जागरूकता, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, ये बहुत ज़रूरी है। जागरूकता आप भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हम अपने लिवर का स्वस्थ ध्यान रखेंगे तो लिवर हमारा ध्यान रखेगा। We look forward to your comments, your feedback and suggestions. तो हमें comment box पर जरूर लिखकर बताइए कि दो टूक बात में और क्या देखना चाहते हैं। Only My Health को अभी भी subscribe नहीं किया है तो तुरंत कर डालिए। अगले episode में फिर मिलेंगे। नमस्कार।